हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग लेकर के आई हूँ। आज मैंने सोचा, जो मुझे आया माइंड में मैसेज मिला कि मुझे आपके इंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे उन पर रीडिंग करनी चाहिए। चाहे तो वो आपके दादा दादी, नाना नानी या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर वो किसी के हस्बैंड, मतलब जिन्होंने अभी अपने कोई हस्बैंड वाइफ खोए हैं, जिन्होंने अपना कोई बच्चा खोया है, या जो भी आपके जो क्लोज वंस रहे हैं, लव्ड वंस रहे हैं डिसेडेड, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, उनकी तरफ से आपके लिए वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं और आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये उससे पहले मुझे एक आपको मैसेज देना है कि इस बार जो है मैंने कार्ड्स पहले से शफल करे हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 10 डेक्स को यूज़ करा है। तो अगर मैं लाइव अगर आपके सामने इस समय शफल करती तो बहुत वक्त लग जाता शफलिंग में, तो इसीलिए मुझे पहले से ही ये शफल करके रखने पड़े हैं। ठीक है, और ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो देखिए, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। अगेन मैं वही बोलूँगी, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके लिए हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आपके पूर्वजों की तरफ से ये मैसेज है, आपके जो डिसेडेड लव्ड वंस हैं, जो गुजर चुके हैं, उनकी तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस हैं। ठीक है, और यस, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे भी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, स्क्रीन पर भी दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, और नॉर्मल मैसेज भी अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और रीडिंग्स पेड हैं। ठीक है, मैसेज करेंगे तो प्लीज़ सिर्फ हाय हेलो मत लिखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दिल से, क्योंकि हाय हेलो लिखने से कंफर्मेशन नहीं होता है कि सामने वाला एग्जैक्टली पर्सन पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो पूरा दिखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम आपके लिए जो देखेंगे या पास्ट एंड आपका फ्यूचर। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। The Tower, Ten of Wands, The Emperor. एरीज की रीडिंग में एरीज का ही एक मेन साइन वो आ जाना। वाओ, गुड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मेन मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, मेजर अरकाना में से है द मैजिशियन। ग्रेट, एनर्जेटिक क्लियरिंग ड्यूरिंग क्राइसिस, द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टिंग यू ऑफ फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनियस प्लान। काली माँ, ओके, दिन है आपके लिए योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। ओके,
दिन है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ कार्ड्स आ नहीं रहे हैं तो मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ओके से हम ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, तभी आएंगे। ओके देन है अनडाइंग लव। द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ दिस सिचुएशन और एंजल्स की तरफ से आपके लिए है यस। Cherishing self, I accept and love myself. ओशो जिन से आपके लिए जो मैसेज है, पोस्टपोनमेंट, डिमाइजर, इनोसेंस, फोर फोर की ऊर्जा। ओके एरीज, तो यहाँ पे सबसे पहली जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके पूर्वजों की तरफ से, ठीक है, वो ये है कि आपने जो सफ़र शुरू करा ना, आपका सफ़र जो शुरू हो रहा है वो नाइट से हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, एम्परर पे, ठीक है। तो बेसिकली आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी पावर को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने कोई डिसीजन लिया या किसी चीज़ पर कोई एक्शन लिया, आपने मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी ऐसे फैसले को आपने लेकर के जो हिम्मत दिखाई है, उसका जो जज्बा आपने दिखाया है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं। विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये फैसला आपका रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपके करियर को लेकर के हो सकता है, या किसी भी एरिया को लेकर के हो सकता है। तो बेसिकली आपने वो फैसला वो कदम उठाया, और हो सकता है अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें टावर की ऊर्जा है, तो कोई फॉल्स फाउंडेशंस थी, या फिर कोई फॉल्स कोई रिश्ता हो सकता है, जॉब हो सकती है, जिसका कि बेस ही फिक्स नहीं था, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ से ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे किसी के साथ ब्रेकअप होना, किसी के डिवोर्स होना या डिवोर्स की कगार पर होना, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये कोई जॉब लॉस होना, ठीक है। तो ये उस तरह की ऊर्जा है, द टावर की ऊर्जा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग, मैं कहूँ तो इस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, स्टक भी फील कर सकते हैं, और अपने आप में बहुत भार फील करना बेसिकली, ठीक है। और आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं कहूँगी कि आप लोग इस सिचुएशन को लेकर के, ये जो भी सिचुएशन हो रही है इसको लेकर के बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, और इमोशनल होने के साथ साथ आप में से कुछ लोग जो हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। मतलब इमोशंस अंदर तो बहुत भर भर के हो रहे हैं, अप एंड डाउन्स चल रहा है आपके इमोशंस, लेकिन आप फिर भी अपने इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी के सामने आप शो नहीं करें, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप ये जो भी फेज़ आपका चल रहा है, जो भी ये फॉल्स फेज़ आपका चल रहा है, या फॉल्स फाउंडेशन जो भी खड़ी हुई है, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे आपकी कोई आदत हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई बात, कोई सिचुएशन हो, तो आप चाहते हैं अब ये चीज़ें ख़त्म हो और एक नए सिरे से नई शुरुआत हो। यहाँ मैं आपको देख रही हूँ कि आप में सेल्फ लव बहुत आ रहा है, आप में वो पावर आ रही है, और ये सब ना यहाँ पे जो मेन एनर्जी आपकी निकल कर आई है विद द मेजर अरकाना में से द मैजिशियन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो आपके पूर्वज हैं वो आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप वो मैजिशियन हैं जो कि इस एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं, या अपनी लाइफ में वो चेंज ला सकते हैं, ठीक है।
आपके अंदर हर वो एबिलिटी है। अगर आप देखेंगे सिर्फ एक मैजिशियन ही एक ऐसी एनर्जी है पूरे डेक में जिसके पास सभी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, पेंटिकल्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड्स हैं और कप्स हैं, ठीक है, तो उसके पास हर चीज़, हर ऑप्शन मौजूद है, हर एबिलिटी मौजूद है, वो अपने तरीके से अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो पावर है, बस उस पावर को जानने की ज़रूरत है। आप उस पावर से अपनी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं और कुछ एरीज यहाँ पे वो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। बस जो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो है कि ये जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, क्योंकि इस समय आप में से बहुत लोगों पर यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है आपके ऊपर, आपके माइंड पे इमोशंस के थ्रू, या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी एनर्जीज को जो है प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे काली माँ का मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आप निखर करके बाहर आ रहे हो, ठीक है, आप अपनी पावर में आ रहे हो और ये पावर पाने के लिए आप बहुत कुछ झेल रहे हो, आपने बहुत कुछ झेला था, आपने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया था जिस वजह से, या डिसीज़न ले रहे हो, ठीक है, जिस वजह से कि आप उस पावर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे मैसेज है कि बहुत से लोग हो सकता है कि ये जो भी डिसीज़न आप लोगों ने लिया है वो आपको बहुत भार लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि आपकी लाइफ जो है अब जैसे फिनिश हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है, या कहीं मैंने, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं मैंने सही डिसीज़न तो लिया है कि नहीं लिया है, और आप जो है आप वहाँ पे क्लैरिटी चाहते हैं कि ये आपको ना अभी पूरी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं कि वाकई में ये जो सब मैंने डिसीज़न लिया है वो क्लियर है, या ये सही डिसीज़न मैंने लिया है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि आपने जो भी डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि वो एक फॉल्स डिसीज़न था आपका और आपको अपने इस डिसीज़न पर बने रहना है, ठीक है। यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो आपको उस डिसीज़न के साथ अपने आप को बनाए रखना है, चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट हो, चाहे आपके अपने आपसे अगेंस्ट हो, या आपके आसपास के लोग आपसे अगेंस्ट हो। तो यहाँ पे आपको इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी मैसेज है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पे इस वक्त एरीज आप लोगों का टेस्टिंग टाइम चल रहा है, यहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा है कि वाकई में आप इस पावर में आने के लिए तैयार हो इस समय या नहीं हो, आप किस तरीके से, किस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप जो डिसीज़न ले रहे हो उसको आप लेकर के आगे उस ऊर्जा के साथ बढ़ रहे हो या डामाडोल हो रहे हो, बेसिकली ये वो है, ठीक है, जो कि हो सकता है। मैं जैसे कि बोल रही हूँ, कुछ लोगों को अपने खुद के डिसीजंस पे बहुत डाउट हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको होप नहीं खोनी है, आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, क्योंकि ये वक्त है आपका वो डिसीज़न को लेकर के आगे बढ़ने का, ठीक है, अपना स्टैंड लेने का, ठीक है, आप जो है वो बन करके दिखाने का, ठीक है। आपको यहाँ किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है ऐसा, उनका कोई बॉस हो सकता है, या घर में परिवार में कोई बड़ा हो सकता है, या सोशली कोई आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन होता है, हो सकता है जो आपको दबा रहा हो। तो बेसिकली यहाँ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस पावर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस पोजीशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो चाहते हैं आप अपनी जीवन में, वो पूरा होने वाला है। अभी आप उसके बीच में हैं, ठीक है, तो आपको इस राह पर हार नहीं माननी है। अगेन मैंने शफल करा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हार नहीं माननी है, अपना स्टैंड लो, अपने में वो स्ट्रेंथ लाओ, अपने में वो पावर लाओ, होप बिल्कुल नहीं होनी है, और अपने इमोशंस को जो है यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे बहुत एरीज का देख रही हूँ
कि ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना, इसमें आप अपने आपका जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ब्लॉक हो गया है। आप बहुत लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लोगों पर से जैसे कि आपका विश्वास उठ गया है, अब आप उन पर और विश्वास करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से कि आप जो पास्ट में हुआ ना वो लेकर के अब आपकी एनर्जीज हो गई हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग तो बनना है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको लेकर के आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, उस पर बने रहना है, कायम रहना है और आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आ रही हैं, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत करो, यहाँ आप अपने दिल को क्लोज कर रहे हो, अपने हार्ट चक्रा को क्लोज कर रहे हो, उससे क्या है, उससे आपका खुद का नुकसान है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन करो। ये एक्चुअल में आपके लाइफ में ये जो भी सिचुएशंस हो रही हैं आपको आपकी पावर में आने के लिए हो रही हैं, आपको सिखाया जा रहा है, कुछ लेसन्स हैं जो आपको सिखाए जा रहे हैं। कुछ यहाँ पे एरीज अपनी पावर को भूल चुके हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट हो चुके हैं, तो उनको उनकी पावर में लाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप अपने बलबूते कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल लेडी है, ग्राउंडेड लेडी है, मदरली वुमेन है, तो आप में से बहुत लोग मदर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप में वो पावर है कि आप अपने आप को स्टैंड कर पाओ। आपको सिर्फ दूसरों पर जिसे कहते हैं कि भरोसा तो नहीं, दूसरों पर आपको वो नहीं रहना है, क्या बोलते हैं उसे, कि उनके ऊपर बर्डन्ड नहीं रहना है, या उनके ऊपर आप कि ये मेरे को अगर कुछ ज़रूरत है तो वो मुझे ला करके देंगे, मुझे अगर कुछ करना है तो वो मेरे लिए करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती है, ज़्यादातर ये वुमेंस की एनर्जी है या फीमेल एनर्जी है, लेकिन कुछ मेल्स भी यहाँ पे ये हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ खुद उस पावर में आ सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर खुद वो पावर है, बस उसे समझने की और जगाने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। और ये देखिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, उसके नीचे ही यहाँ पे यस की एनर्जी है। जिन लोगों को यहाँ पे, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, जिन्हें ये डाउट है कि हम कभी अपनी लाइफ में स्टैंड नहीं हो पाएंगे या फाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ फाइनेंशियली इश्यूज भी चल रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है, यस, आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये दौर से गुजरना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ एनर्जीज हैं या कुछ यादें आपकी हो सकती हैं, उन्हें अपने जीवन से आपको यहाँ पे बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही हार्टफुल सिचुएशन है। लेकिन अंत में आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, अंत में आपको यहाँ पे वो खुशियाँ मिलेगी, वो स्टेबिलिटी मिलेगी। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि आप जो हैं मैजिशियन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इसको लेकर के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब मैंने ये कार्ड शफल करा था, एंजल्स का कार्ड शफल करा था, तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टेक एक्शन आया था। तो यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, और जो एक्शन ले रहे हैं आप, कुछ लोगों को यहाँ पे एक्शन लेना है और कुछ लोग यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो सभी के अकॉर्डिंग मैसेजेस आएंगे। तो आपको बोला जा रहा है जो आप एक्शन ले चुके हैं उसको लेकर के अपना स्टैंड बनाए रखिएगा, और जो लेने वाले हैं उसके साथ पूरे दम के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे कोई भी इसके अगेंस्ट हो। अंत में आपको वो जस्टिस ज़रूर मिलेगा, वो जस्टिस, वो इक्वालिटी ज़रूर होगी जो आप डिज़र्व करते हैं, जस्टिस होगा अंत में आपके, अगर आप खुद अपने लिए स्टैंड लोगे ना। तो यूनिवर्स ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपको वो सब मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि यहाँ आप खुद स्टैंड ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग, आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है, ये टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल फुलफिलमेंट, अंत में आपको ये जो मिल रहा है ना जस्टिस, उससे आप जो इमोशनली फुलफिल्ड होंगे, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी कि यस, जो मैं डिज़र्व करता था, जो मैं डिज़र्व करती थी, वो मुझे मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है
यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आया है, अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन. तो यहाँ पर आपको अपनी इनोसेंस को नहीं खोना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिटरली इनोसेंस का कार्ड आ चुका है. तो इनोसेंस को नहीं खोना है, यहाँ पे आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए. अगर कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, इट डजेंट मैटर. ठीक है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, आपको अपना स्टैंड लेना है और आगे बढ़ते रहना है. बाकी जो सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड मत हुई है, प्रेजेंट में रह करके अपना स्टैंड लेकर के आगे बढ़िए. ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है. ठीक है, जैसे ही आप फ्यूचर को लेकर के या फिर आगे क्या होगा उसको लेकर के आप ध्यान हटा देते हैं और अपना स्टैंड लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, सिर्फ आपने प्रभु पे विश्वास रखना है, ट्रस्ट दिखाना है और आगे बढ़ते जाना है, फिर देखिए आपकी लाइफ में वो चेंजेस, फिर देखिए आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आती है. क्योंकि जब तक आप उस इंटेंशन को लगा करके चलेंगे ना कि यस मुझे पहुंच करके आगे वहां जाना है, ठीक है, या बहुत आगे के बारे में आप सोच रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा, तो उससे क्या है, जो आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज हैं वो भी डैमेज होंगी. ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमंस की क्या प्रॉब्लम है कि ओवरथिंकिंग बहुत करना. अच्छा भी चल रहा है तो भी कुछ ना कुछ दिमाग में जब हम सोचने बैठते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है. तो अभी आपको उस एनर्जी से अपने आप को क्लियर करना है, प्रोटेक्ट करना है. और आपको ये भी बोला जा रहा है अपने आप को हील कीजिए, आपको अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना है. मैं आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रही हूँ कि यहाँ आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, जिस वजह से कि चीज़ें स्लो चल रही हैं. और आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन कीजिए, रिसीविंग एनर्जी में आइए. ठीक है, इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप उस पावर में आ रहे हैं तो कहीं आप अपनी इनोसेंस को खो दें, कहीं आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो दें. आप जो हैं जैसे लोगों को प्यार देते आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मदर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एक मदरली नेचर है. ठीक है, मदरली नेचर क्या है, दूसरों को प्यार देना, दूसरों की केयर करना. वो अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करती है. ठीक है, उनका ध्यान रखती हैं अपने बच्चों की तरह. तो वही जो आप में खूबी है ना, उसे ख़त्म मत कीजिए. आपको ये बोला जा रहा है, ये द माइजर की एनर्जी है और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, जो मैं आपको मैसेज दे ही रही हूँ कि जैसे ही आप अपने हाथ को ओपन करेंगे वैसे ही चीज़ों में वो ग्रोथ देखेंगे आप. लेकिन जब तक आप इस एनर्जी में, माइजर की एनर्जी में रहेंगे ना, ये एक फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लोज्ड एनर्जी है, अपने हार्ट को ब्लॉक कर देना. ठीक है, तो उस एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो चीज़ें जो हैं बहुत स्लो चलेंगी या पोस्टपोन होंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी उस ग्रोथ के साथ. तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी को आपको हील करना है, आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है. और सबसे बड़ी बात है कि अपने से प्यार करना. जब आप अपने से सबसे पहले प्यार करते हैं ना, तभी आप दूसरों को भी प्यार दे पाते हैं. तो यहाँ पे चेरिशिंग सेल्फ, तो अपनी एनर्जीज को, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत हैवी एनर्जीज देख रही हूँ. देखिए, आपके लिए विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है. जो भी विशेज हैं, जो आपकी विशेज हैं वो ज़रूर पूरी होंगी. जो आप डिज़र्व करते हैं वो ज़रूर पूरा होगा. ठीक है, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा. आप फाइनेंशियली यहाँ पे आप लोग मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, यस. और आप लोग यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पे जो है अपने सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और जिन लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, यहाँ पे मैं आपके रिलेशनशिप में वो बैलेंस होते हुए भी देख रही हूँ. ठीक है, यस. और वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं, तो सबसे पहले अपने पर ध्यान देना शुरू कीजिए. ठीक है, हालांकि ये चेरिश सेल्फ की एनर्जी है, सेल्फ की एनर्जी है, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, टू रोजेज हैं. ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर देते हैं ना, वहीं आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे, वहीं आप अपने रिलेशनशिप में वो चेंज देखेंगे, वो ब्यूटीफुल चेंज आते हुए देखेंगे. तो यहाँ सबसे पहले तो अपने पर ध्यान दीजिए कि आपको, यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत से एरीज जो हैं यहाँ सही समय पर खाना नहीं खाते हैं, कुछ तो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं,
आपको क्या पसंद है, क्या खाना चाहते हैं, या कितना आपको रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट की भी यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है, आराम की ऊर्जा मिल रही है, तो उन चीज़ों का यहाँ पे आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। अपने आप को ना थोड़ा पैम्पर कीजिए, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अपनी अहमियत को समझिए। जब आप अपनी अहमियत समझेंगे ना अपनी, तो सामने वाला जो पर्सन है वो अपने आप आपकी अहमियत को समझने लगेगा। लेकिन जब आप खुद ही अपने आप को इग्नोर करते हैं, आप खुद ही अपने आसपास ऐसी एनर्जीज को क्रिएट कर देते हैं कि अदर पर्सन भी आपको वो वैल्यू नहीं देता है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो अपनी वैल्यू को समझिए। अपने आप को ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मैं कोई वैल्यू ही नहीं रखता, मैं कोई वैल्यू ही नहीं रखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस एनर्जी से बाहर जाना है। इसीलिए आपको डिवाइन ये भी बोल रही है कि आपकी जो कमिटमेंट है ना, उसे टेस्ट किया जा रहा है कि आप इस ऊर्जा में आने के लिए और इस ऊर्जा में आने के लिए कितने कमिटेड हो। ठीक है, किस ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। डेफिनेटली मैं कहूँगी राह में मुश्किलें बहुत हैं, आसान नहीं है, आपको वो पेशेंस चाहिए होगा, वो स्ट्रेंथ चाहिए होगी, लेकिन आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, तो आप जिस राह पे चल रहे हैं या ये जो आप फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर आपको बहुत ही पेशेंटली, मतलब बहुत ही पीस के साथ और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोस्टमोनमेंट की एनर्जी है, तो कुछ लोग ये भी देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपकी लाइफ में कुछ देरी हो सकती है, तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी में आपको नहीं आना है, आपकी लाइफ में वो एक पैशन आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है, आपको यही बताया जा रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो वो सक्सेस मिलना, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सन की ऊर्जा आनी मतलब कि सब कुछ अपने आप मैजिकली नहीं मिल जाता है, कि बैठे हुए आपने मैनिफेस्टेशन कर ली और सब कुछ क्रिएट हो गया, सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया। यहाँ बहुत मेहनत लगी है, यहाँ बहुत लेसन सीखे गए हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, तभी आपकी लाइफ में वो जो है सक्सेस आ रही है। बस आपको पास्ट की जो भी एनर्जीज हैं उन्हें लेट गो करना है। अगर किसी चीज़ का ग्रीफ है, दुख है, आप उसमें हैं, आपको ऐसा लगता है किसी के साथ आपने गलत करा है, कुछ ऐसा कुछ आपके माइंड पर भार है, उससे मुक्त होइए और आगे बढ़िए। ठीक है, वो समय था कुछ लेसन सीखने का था, अब आप सीख चुके हैं, तो उसे लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, और अपने आसपास की ऊर्जा से थोड़ा अवेयर रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं, तो ऐसे कोई ऊर्जा हो सकती है आपके आसपास जो आपके अच्छे में नहीं है। ठीक है, आपके अच्छे में नहीं है, वो आपको सामने बहुत अच्छा दिखा रहे हैं लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप में अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। ठीक है, यस, सेलिब्रेशन आ रहा है, अगेन यहाँ पर बोल रही हूँ, अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ डिसीजन लेने का वो है वक्त, तो आपको बोला जा रहा है यही सही समय है एक्शन लेने का, डिसीजन लेने का, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग आप एक्शंस ले रहे हो ना, उसी के बलबूते आप ये एम्परर की ऊर्जा तक पहुंच रहे हो। ये नाइट जो है, ये कोई किंग नहीं बन रहा, क्वीन नहीं बन रहा। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कर रहा है और एम्परर की ऊर्जा में आ रहा है। और अगर आप एम्परर को देखें तो एम्परर ने भी जो अपनी लाइफ में अचीव करा है ना, वो बहुत कठिनाइयाँ झेली है, बहुत कुछ झेला है, तब जाके उसको वो पोजीशन मिली है, या तब जाके उसने अपना ये एम्पायर जो है क्रिएट करा है। तो आपको यही बोला जा रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, जो लोग यहाँ पे जॉब चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, वो ज़रूर मिलेगी, बस आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है, डिवाइन पे ट्रस्ट से पीछे नहीं हटना है। आपके जो पूर्वज हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ वो तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी अपनी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ आसपास आपके लोग हो सकते हैं जो हेल्दी, जिनकी इंटेंशंस नहीं है, उनसे अपने आप को बचाइए। ठीक है, और ख़ासकर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पे काली माँ का स्वरूप है,
तो यही बोला जा रहा है, जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं वो कहाँ से आती हैं, वो जब कोई हमारी एनर्जीज जब हम हाई वाइब्रेशंस की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं या नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, वो हम पर अटैक करती हैं। जैसे गुस्सा होना, ग्रीड, लालच होना, डर होना, मतलब इस तरह की बुराई जो होती है, ग्रीफ में चले जाना, दुख में चले जाना, बहुत ही लो एनर्जीज में चले जाना, वो सब चीज़ें हम पर हावी होने लग जाती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि उन एनर्जीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपके पूर्वज और एंजल्स आपके साथ हैं, और आपको बोला जा रहा है जैसे ही आप इस ऊर्जा से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, वैसे ही आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपका एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और पार्टिकुलरली अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर यस है, ठीक है। और अगर आपने ये पूछा था, अगर ये देखते हुए आपके माइंड में अभी भी ये डाउट्स हैं कि मुझे इस समय ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपको यही डिवाइन बोल रहे हैं कि यस, वो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी की ओर लेकर जा रहा है, वो आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यस एरीज, ये थे आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मैसेज मिला हो, मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye-bye.